इन साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा, यहां फिगर देख रहे होंगे या यहां टॉपिक देख चुके होंगे कि आज हम सभी बात करने वाले हैं कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, ये इस बार आपके 2021 बोर्ड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर आपने इसको नहीं सीखा तो मान लीजिए कि लगभग आपके 50% चांसेस इस बार इसके, 50 क्या बोलूं मैं, लगभग 80% चांस इसके हैं इस बार बोर्ड में आने के, क्योंकि ये ना तो ज्यादा कठिन है और ना ज्यादा जो है वो है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, इसलिए कोविड को देखते हुए पेपर सरल आएगा और कठिन टॉपिक्स नहीं लिए जाएंगे। अपवर्तन का सूत्र है, लेंस मेकर फार्मूला है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है और इस बार की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले फिगर को, कि पतला लेंस मान लीजिए कोई जिसकी मोटाई टी है, जो बहुत कम है, बहुत कम पतला लेंस है तो बहुत कम टी मोटाई है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण ओ जो है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो ओ है वो सबसे पहले यहां पर प्राप्त हुई। अब चूंकि लेंस था इसलिए किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, उत्तल लेंस था तो मुख्य अक्ष की ओर देखिए मोड़ दिया, लेकिन जब ही जो ही इसने मुख्य अक्ष की ओर इसको मोड़ा हल्का सा, उसी किरण को हमने जब आगे बढ़ाया तो यहां पे जाके इसे ऐसे आगे बढ़ा दिया। देखिए यहाँ आगे बढ़ाने पर यह किरण यहाँ आई डैश पर जाके मुख्य अक्ष को काटी, और दूसरी किरण जब ये पूर्ण रूप से अपवर्तित कर दिया है तब जाके यहाँ पे मैंने ये आई पर काटी है। दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है ऐसे, वो सीधे चली जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जब आपकी वस्तु ओ पर रखी थी तब प्रतिबिंब आपका बनेगा आई डैश पर, पहले पृष्ठ के लिए, बात समझिएगा, पहले पृष्ठ के लिए ये वाला जो पृष्ठ है आपका, यहाँ पे जब आपकी वस्तु वो पर रखी रहेगी तब प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश पर। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले इतनी हम बात कर लें तब हम आगे चलेंगे यहाँ से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, भाषा वाषा लिखने के बाद उसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है ग्रुप में, कि माना L1 एक उत्तल लेंस है जिसके सामने कोई वस्तु बिंदु ओ पर रखी है, जहां चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, आपतन के पश्चात ये ज्यों ही अपवर्तित हुई तो इसको आगे बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष को बिंदु आई डैश पर काटती है, तथा जब अपवर्तित हो गई तो ये बिंदु आई पर काटती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो मुख्य प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने के कारण सीधे निकल जाती है। उसके बाद जब इतना सबको लिखना, लिखने के बाद हम ये मानेंगे बिंदु O तक की दूरी को U, बिंदु I तक की दूरी को B, तथा I डैश तक की दूरी को B डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें आप जो है लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको सीधा यहाँ पे लिखना है कि पहले पृष्ठ के लिए ऐसे हेडिंग डालना है, और पहले पृष्ठ के लिए लिखना है कि पहले पृष्ठ के लिए, वो सब लिखने के बाद पहले पृष्ठ के लिए आप लिखेंगे अपवर्तन का सूत्र। मैंने आप लोगों को कल बताया था अपवर्तन का सूत्र जानते हैं क्या था, N/B-1/U=N-1/R, यही था अपवर्तन का सूत्र। तो जब हम पहले पृष्ठ की बात करें तो पहले पृष्ठ के लिए O आपका वस्तु है और I डैश आपका है प्रतिबिंब, तो पहले पृष्ठ से O तक की दूरी आपकी वस्तु की दूरी कहलाएगी जो कि आपका U है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी I डैश जो कि पहले पृष्ठ से B डैश है। क्लियर है? तो अब बी के स्थान पे बी डैश और यू के स्थान पे यू रखा जाएगा, तभी आपका एग्जैक्टली निकल के क्या आएगा, N/B-1/U=N-1/ पहले पृष्ठ के लिए इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, इधर ये R1 एक, दोनों R2 हो गया क्या, एक R1 कीजिए इसको, एक R1 ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R1, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए बात को समझिएगा, ये किरण अपवर्तित किरण जो होगी दूसरे पृष्ठ के लिए, वह दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करेगी, क्योंकि जब यह मुड़ गई तब यह हुई कौन सी किरण, अपवर्तित, और दूसरे पृष्ठ के लिए काम किस किरण का करेगी, आपतित किरण का काम करेगी, बात समझे। और अगर अब हम पहले पृष्ठ को भूल जाते हैं तो इसके दूसरे पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण कौन सी थी, ये वाली थी जो आई डैश पर जाके टकराई है। बात को समझिएगा, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण कौन सी थी, जो आई डैश पर जाके टकराई है, वही तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण थी। तो ये अपवर्तित किरण हुई, और दूसरे पृष्ठ के लिए जो पहले पृष्ठ वाली अपवर्तित किरण है वही दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करती है। पहले इतनी बात समझ पाए कि जो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तित, जो दूसरे पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण है वही दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करती है। तो अगर इस स्टेप को इसको भूले तो अपवर्तित किरण आ कहां से रही है, आई डैश से,
और ये जाएगा कहाँ पर, आई पर। इसका मतलब अगर आपको ये बातें समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई है तो इतना याद रखिए कि जब वो वस्तु होगा तब आई डैश पर प्रतिबिंब बनेगा और दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश पर को वस्तु माना जाएगा और आई पर प्रतिबिंब बन जाएगा। क्यों होगा ऐसा मैंने आपको बताया, फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप इतना कम से कम रट सकते हैं कि जब ओ वस्तु होगा तब आई डैश पर प्रतिबिंब बनेगा और अगर आई डैश हमारा वस्तु मानी जाएगी तो आई पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये दूसरे पृष्ठ के लिए होगा। इतना आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अब दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए बात को समझिएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आपकी वस्तु है, आई प्रतिबिंब है, तो दूसरे पृष्ठ की प्रतिबिंब तक की दूरी दूसरे पृष्ठ से बी है, लेकिन आई डैश की जो दूरी है वो पहले पृष्ठ से बी डैश है, लेकिन लेंस की मोटाई टी है, तो यहां से दूसरे पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी आपको लेना है बी डैश माइनस टी। बात को समझिएगा, लेना इतना है, लेकिन लेंस बहुत पतला है तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम जो है बी डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बी डैश ले लेते हैं। कहीं ये मत समझिएगा कि डायरेक्ट बी डैश लिया गया है, बी डैश यहाँ से लिया गया है और दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी बी डैश माइनस टी होगी। अब लेंस बहुत पतला है इसलिए टी को नगण्य मान लिया जाता है, इसको भी हम बी डैश यहीं से एज्यूम कर ले रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि बी डैश माइनस टी होगा और बी डैश टी बहुत पतला है तो इसलिए इसको डायरेक्ट बी डैश मान लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन में आप इन वैल्यू को रखिए तो आप पाएंगे कि आपका अब आएगा। और हाँ एक बात, पहले पृष्ठ के लिए आपका प्रकाश जो था वो हवा से कांच में जा रहा था और दूसरे पृष्ठ के लिए आपका जो प्रकाश है वह कांच से हवा में जा रहा है। और आप सभी एक बात बहुत विधिवत जानते हैं क्या, कि ए एन जी इज इक्वल टू होता है एन जी अपान एन ए, ठीक है, और जी एन ए इज इक्वल टू होता है एन ए अपान एन जी, ये होता है ना। तो अब समझते हैं, जब प्रकाश हवा से कांच में जा रहा था तो एन जी अपान एन ए था, और जब प्रकाश कांच से हवा में जा रहा है मतलब ग्लास टू एयर, जब कांच से हवा में जा रहा है तो एन ए ऊपर एन जी नीचे, अभी एन जी ऊपर था एन ए नीचे था, अब एन ए ऊपर एन जी नीचे है, मतलब अब जो होगा आपका अपवर्तनांक जो यहाँ पे लिया जाना है, जो अब यहाँ पे अपवर्तनांक लिया जाना है, जब आपका प्रकाश कांच से हवा में जा रहा है तो यहाँ अपवर्तनांक उलट के लिया जाएगा, यानी कि अब अपवर्तनांक आपका वन अपान एन यहाँ पे लिया जाएगा, अभी तक जो एन था यहाँ वन अपान एन लिया जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है आपका बी, तो वी माइनस अब आपका ये क्या है वन अपान यू, कितना है ये आई डैश तो वस्तु है अब, तो बी डैश इज इक्वल टू एन वन अपान एन माइनस वन अपान आर टू। बात समझ पाए। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में कि एन से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एन इस इक्वेशन में पूरे में करेंगे कि पूरे इक्वेशन में पूरे में सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ एन हो जाएगा खत्म, ये आपका आएगा वन अपान बी माइनस ये आपका आएगा एन अपान बी डैश इज इक्वल टू वन माइनस एन अपान आर टू यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप लोग मान लीजिए जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको करना क्या है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को कर देना है, जोड़ देना, सिंपल फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ एन अपान बी डैश जो है प्लस में है और इस इक्वेशन में एन अपान बी डैश माइनस में है, ये कट जाएगा सिंपल, यहाँ पे वन अपान यू माइनस में है, यहाँ पर वन अपान बी प्लस में है, तो आएगा वन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है एन माइनस वन प्लस में, यहाँ वन माइनस एन है तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एन माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा वन अपान आर वन, वन अपान आर वन, और यहाँ पे एन माइनस वन तो था नहीं, था वन माइनस एन, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब बचेगा हमारा हो जाएगा एन माइनस वन, तो यानी कि यहाँ माइनस आपका आएगा वन अपान आर टू। इस बात को कितने लोग समझ पाए, कितने लोग नहीं समझ पाए, वही सिंपल सी बात है, जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका एन अपान बी डैश था माइनस में, यहाँ एन अपान बी डैश प्लस में, ये आपका कट गया, ठीक है, वन अपान बी आपका प्लस में था लिख लिया गया, वन अपान यू माइनस में था लिख लिया गया, यहाँ पे एन माइनस वन था, यहाँ भी एन माइनस वन ही था लेकिन इधर वन माइनस एन था, तो हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया माइनस कॉमन, और जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे कॉमन तो ये आपका क्या आ जाएगा एन माइनस वन। बात समझ पाए, तो यहाँ से हो गया एन माइनस वन कॉमन, एन माइनस वन कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका वन अपान आर टू आर वन है और यहाँ पे माइनस बचा, माइनस हो गया और वन अपान आर टू बचा, तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आया, इसको ब्रेकर में बंद कर लीजिए तब आगे दूसरा बताते हैं। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि
बात क्या कर लें कि अगर हमारी वस्तु जो है अनंत पर हो, तो याद कीजिए आप लोग द्वितीय फोकस से कि जब आपकी वस्तु अनंत पर होती थी तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस क्या करता था, मुख्य अक्ष पर की ओर मोड़ देता था और प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस पर बन जाता था। तो जब जो हमारी वस्तु होगी वो इनफाइनाइट पर होगी, मतलब यू इज इक्वल टू अनंत होगा, तो वी इज इक्वल टू हमारा एफ हो जाएगा, मतलब हमारा प्रतिबिंब तब फोकस पर बन जाएगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे 1 अपान अनंत रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 1 अपान एफ यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा, 1 अपान एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1 और बड़े ब्रैकेट में 1 अपान आर 1 माइनस 1 अपान आर 2। यही हमें प्रूफ करना था, या हम कह सकते हैं कि यही लेंस मेकर का फार्मूला है, प्रूफ PROOF, यही लेंस मेकर का फार्मूला है। ये इस बार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमें सिर्फ इसमें इतना रखना है कि पहले पृष्ठ के लिए ओ वस्तु आई डैश प्रतिबिंब, दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु आई प्रतिबिंब, ठीक है। और जब पहले पृष्ठ की बात होगी तो प्रकाश हवा से कांच में जा रहा है तो अपवर्तनांक हम सीधा एल लेंगे, और जब दूसरे पृष्ठ के लिए बात होगी तो हमारा जो प्रकाश होगा कांच से हवा में जा रहा है, इसलिए अपवर्तनांक को पलट देंगे, एन से करेंगे मल्टीप्लाई, जो आएगा उसे दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, बस सिंपल हमारा फार्मूला निकल के तैयार हो जाएगा। हम कहेंगे यही हमारा लेंस मेकर का फार्मूला है। तो होप करता हूं कि आप सभी इस बात को समझे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।